पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाले चंदे से जुड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी सामने आई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ये रिपोर्ट रीजनल यानी क्षेत्रीय पार्टियों को मिले चंदे से जुड़ी है और लिस्ट में टॉप थ्री में शामिल है KCR, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार की पार्टी। हालांकि आम आदमी पार्टी हाल ही में नेशनल पार्टी बन गई, लेकिन ये रिपोर्ट 2021-22 में मिले चंदे से जुड़ी है। ऐसे में इस स्टोरी में आपको बताएंगे कि किस पार्टी को कितने करोड़ का चंदा मिला है और जाते जाते बात करेंगे कर्नाटक के अति अमीर कैंडिडेट्स की। वो इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इन सबसे पहले आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की इस लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पहले 3 नंबर पर जो पार्टियां हैं उनमें भारत राष्ट्र समिति, आम आदमी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नाम शामिल हैं। BRS तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव की पार्टी है। आम आदमी पार्टी आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी है और जनता दल यूनाइटेड बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की पार्टी है। राजनीतिक पार्टियों को 2021-22 में जो चंदा मिला है उसका 60% हिस्सा इन 3 पार्टियों की जेब में गया है। यह आंकड़े इन पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को जो जानकारी दी है उससे निकलकर बाहर आए हैं। दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 भारत में चुनाव से जुड़ा हुआ एक कानून है। इसके एक सेक्शन 29C(1) के अकॉर्डिंग अगर किसी पार्टी को 20,000 रुपए से ऊपर का चंदा मिलता है तो उसे इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन को उसकी जानकारी देनी होती है। ADR की रिपोर्ट में पता चला है कि 54 रीजनल पार्टीज में से 26 पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को चंदे से जुड़ी रिपोर्ट सबमिट की है। बाकी पार्टियों का कहना है कि उनके मामले में चंदे की जो रकम है वो निलबटे सन्नाटा है इलेक्शन कमीशन को देने के हिसाब से। इलेक्शन कमीशन को जिन पार्टियों ने चंदे से जुड़ी जानकारी दी है उसमें कुल 189.8 करोड़ रुपए मिलने की बात सामने आई है। इस रकम में से 40.90 करोड़ अकेले KCR की पार्टी को मिला है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 38.2 करोड़ मिले हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को 33.2 करोड़ और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 29.7 करोड़ मिले हैं। आंध्र में सरकार चला रही YSR कांग्रेस को 20.1 करोड़ रुपए मिले हैं और पिछले साल के कंपैरिजन में इस पार्टी को मिलने वाले डोनेशन में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक YSR कांग्रेस को मिलने वाले डोनेशन में कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 8% का इंक्रीज हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आने वाली आम आदमी पार्टी को भी पिछली बार की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा चंदा मिला है। वहीं हैरत की बात यह है कि तमिलनाडु में सरकार चला चुकी जयललिता की पार्टी रही AIADMK, ओडिशा में सरकार चला रही नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल और जम्मू कश्मीर में सरकार चला चुकी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उन पार्टियों में शामिल है जिन्होंने कोई डोनेशन डिक्लेयर नहीं किया, मतलब इनको कोई बड़ा चंदा नहीं मिला इनके अकॉर्डिंग। इनके अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना, लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी जानकारी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। डोनेशन देने वाले राज्यों में 118 करोड़ से ज्यादा के साथ दिल्ली पहले नंबर पर, 13 करोड़ से ज्यादा के साथ पंजाब दूसरे, 9 करोड़ से ज्यादा के साथ कर्नाटक तीसरे, लगभग इतनी ही रकम के साथ बिहार चौथे और 7 करोड़ से अधिक की रकम के चंदे के साथ हरियाणा 5वें नंबर पर रहे। ADR की इस रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी को लगभग 2.25 करोड़ रुपए का चंदा भारत के बाहर से भी मिला है। और ऊपर जो 3 पार्टियों में 60% चंदे के कंसंट्रेशन वाली बात आपको बताई थी उसमें अगर समाजवादी पार्टी जैसी एक और पार्टी का नाम जोड़ दें 2 पार्टियों का तो ये चंदे की रकम जो है वो 80% महज 5 पार्टियों में सिमट कर रह जाती है। तो ये तो रहा रीजनल पार्टियों को मिले चंदे का लेखा जोखा। अब बात करते हैं अगले महीने इलेक्शन गोइंग स्टेट कर्नाटक की। राज्य में सबसे अमीर कैंडिडेट का नाम है MTB नागराज, 1609 करोड़ के साथ वो नंबर 1 पर है। पिछले साल की तुलना में उनकी संपत्ति में 400 करोड़ का इजाफा हुआ है। कभी कांग्रेस में रहे नागराज अभी BJP में है। वहीं 1400 करोड़ की संपत्ति के साथ कर्नाटक कांग्रेस के DK जो प्रेसिडेंट है DK शिव कुमार वो भी सबसे अमीर कैंडिडेटों की फेहरिस्त में टॉप पर है। शिव कुमार के खिलाफ लड़ रहे रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक ने 60 करोड़ की संपत्ति डिक्लेयर की है और इनसे ज्यादा संपत्ति फॉर्मर चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा के बेटे के पास है। येदियुरप्पा के बेटे BY विजेंद्र के एफिडेविट के मुताबिक उनके पास 103 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है और कर्नाटक इलेक्शन में ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है। ऐसे कैंडिडेट्स वाले कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं। चुनाव 10 मई को होने और 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। 24 मई को विधानसभा की अवधि जो है वो समाप्त हो रही है। ऐसे में उससे पहले कर्नाटक में सरकार बन जाएगी। अनकट ने कर्नाटक इलेक्शन पर कई स्टोरीज की हैं। ये सभी स्टोरीज आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कर्नाटक इलेक्शन के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बाकी ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारू।